हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड, उनकी हिंदी मीनिंग और सिनोनिम्स को। क्लास इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखना। वीडियो अगर आपको पसंद आए देखने पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना और लाइक भी करना, और इसके साथ में और भी एस्पिरेंट्स को शेयर भी करना ना भूलना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का फर्स्ट वर्ड है इंजेस्ट। अब आपने सुना होगा फूड इंजेशन प्रोसेस। अगर नहीं सुना तो किसी भी चीज़ को, जैसे खाना ही है एग्जांपल पे, जो अंदर हम डालते हैं, निगलते हैं, उसको इंजेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इंजेस्ट का मतलब स्वेलो कहते हैं या इंगल्फ करना कहते हैं, जिसका मतलब होता है निगलना। जैसे कि फूड, जैसे कि हम खाना खाते हैं, अपने मुँह में डालते हैं, तो उस प्रोसेस को इंजेशन प्रोसेस कहते हैं, और उसके आगे का प्रोसेस डाइजेशन होता है। तो इंजेस्ट वर्ड का मतलब होता है स्वेलो एंड इंगल्फ करना, जिसको हम क्या कहते हैं, निगलना कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो, सिफोन। सिफोन वर्ड इंपॉर्टेंट है एंड न्यू है। सिफोन का मतलब होता है अडॉप्ट करना या किसी चीज का पोजेशन लेना। अगर मैं बात करूँ सिफोन की, तो इसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को अपना लेना। जैसे होता है ना कि कोई, आप किसी, जैसे अडॉप्शन होता है, जैसे किसी बच्चे को लिया जाता है गोद, तो उसको अपना लिया जाता है। किसी क्लाइमेट में आपने आपको अडॉप्टेबल कर लो, यानी उसको मतलब अपने अकॉर्डिंग बना लो। अपनाना बेसिक हिंदी मतलब है इस वर्ड का। तो सिफोन का मतलब अडॉप्ट करना या पोजेशन लेना, यानी अपना अधिकार लेना, ये भी होता है। किसी चीज को अपनाना वो क्या कहलाता है, सिफोन कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड देखो, यूजर्प। यूजर्प का मतलब होता है हड़पना। अब किसी चीज को बलपूर्वक हड़प लिया जाए, सीज कर लिया जाए, उसको हम पॉन्च भी कहते हैं। तो पॉन्च आ जाए, सीज आ जाए या आ जाए यूजर्प, इस तीनों वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हड़पना। जैसे आपने सुना होगा ना कि जमीन हड़प ली गई या कोई सामान हड़प लिया गया, उसको हम यूजर्प कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो, परसिक्यूट करना। परसिक्यूट करना होता है किसी को सताना, उसको परेशान करना। ठीक है, तो जिसको हम टॉर्चर कहते हैं। आपने सुना होगा टॉर्चर वर्ड की, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करा गया है, या फिर जिसको परेशान सताया गया है, पीड़ित किया गया है, एफ्लिक्ट भी उसी को कहते हैं, परसिक्यूट करना भी उसी को कहते हैं। तो इसका मतलब होता है सताना, किसी को दुखाना, सताना, पीड़ित करना। नेक्स्ट वर्ड देखो, फैडी। फैडी का मतलब होता है क्रेजी या तो फ्रीक। अब क्रेजी, मैड, इनसेन, फुलिश, ये सारे वर्ड किस लिए यूज़ होते हैं, मूर्ख के लिए यूज़ होते हैं और संकी के लिए भी यूज़ होते हैं। तो फैडी वर्ड का मतलब मूर्ख या संकी होता है, जिसे हम क्रेजी या फ्रीक भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं, संकी, या फिर जिसे हम मूर्ख कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो, अनकाउथ। अनकाउथ का मतलब होता है अनोखा, विचित्र, या जिसको अलग कहते हैं, जिसे हम स्ट्रेंज भी कहते हैं, यूनिक भी कहते हैं। यूनिक होना मतलब दूसरों से अलग होना। स्ट्रेंज, जैसे आपने बोल दिया ना, बहुत स्ट्रेंज केस है, या तो बहुत स्ट्रेंज ड्रेसिंग है या कपड़े हैं, या स्ट्रेंज ये चीज़ है, मतलब कॉमन से अलग है, विचित्र है, अलग है, तो उसी को अनकाउथ भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है विचित्र या अलग। नेक्स्ट वर्ड है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस वर्ड का मतलब है किसी भी चीज़ की भविष्यवाणी पहले से कर देना। जैसे होता है ना कि आप वेदर फॉरकास्ट देखते हो, उसके अंदर बता दिया जाता है कि इस दिन बारिश होगी, हुई नहीं है, बट पहले से उसके बारे में बता दिया गया है, फोरकास्ट कर दिया गया है। वेदर फोरकास्टिंग का मतलब भी होता है पहले से किसी चीज़ की घोषणा कर देना, भविष्यवाणी कर देना। और शगुन जिसको बोलते हैं, कहते हैं ना कि शकुन, अपशगुन, आपने सुना होगा। तो किसी चीज़ की अच्छी घोषणा कर देना, भविष्यवाणी कर देना, प्रोग्नोसिस कहलाता है, जिसको हम बोर्ड या ओरेकल, इन दोनों वर्ड से कह सकते हैं। बोर्ड या ओरेकल मतलब भविष्यवाणी। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड देखो, पीव। पीव वर्ड का मतलब चिढ़ होता है। जैसे होता है ना कि किसी को इरिटेट कर रहे हैं, उसको चिढ़ा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो वेक्सेशन या चैग्रिन। चैग्रिन वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। चैग्रिन आ जाए, वेक्सेशन आ जाए या आ जाए पीव, इसका मतलब क्या होता है, चिढ़ होता है। कहते हैं ना, क्यों चिढ़ रहे हो, आपने हिंदी में सुना होगा, बोला होगा, क्यों चिढ़ रहे हो, या फिर
चिढ़ाना। तो चिढ़ वर्ड का को हम वेक्सेशन भी बोलते हैं, वेक्स भी बोलते हैं, एनॉय करना भी बोलते हैं, या तो चैग्रीन वर्ड भी यूज़ होता है जो इम्पॉर्टेंट है एंड एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड देखो होल्ड बैक। होल्ड बैक का मतलब होता है रुकावट, जिसे कहते हैं बैरिकेड या तो स्टॉपिंग। जैसे कि आपने देखा होगा पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग करी जाती है, लोगों के लिए रास्ते डाइवर्ट कर दिए जाते हैं। बैरिकेड करना रोक देना, रुकावट करना, या तो स्टॉपिंग होता है, स्टॉप का मतलब ही रोकना होता है। तो सेम है होल्ड बैक। होल्ड बैक का मतलब रुकावट होता है या किसी चीज में बाधा डालना होता है। तो बेसिक क्या मतलब है? रुकावट। नेक्स्ट वर्ड देखो अबाइड। अबाइड का मतलब होता है रहना, स्टे या फिर रिमेन। कहते हैं ना स्टे, या यहाँ पर आज स्टे कर लेते हैं, या तो रिमेनिंग पार्ट्स जो बचा हुआ रहना, इस सब चीजों को हम अबाइड कहते हैं। बेसिक मतलब अबाइड का होता है रहना या तो निवास करना, जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखो फोरबियर। फोरबियर का मतलब सहना या बर्दाश्त करना होता है, जिसे हम यूजली टॉलरेट करना कहते हैं। कहते हैं ना कि इससे ज़्यादा हम अब टॉलरेट नहीं कर सकते, टॉलरेट करना बर्दाश्त करना कहलाता है। और बियर भी वही कहलाता है। और एक बियर कौन होते हैं? जिसको हम भालू कहते हैं। एक बियर होती है जो शराब होती है, उसको कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि बियर, बियर और बियर, ये तीनों सेम साउंडिंग वाले हैं, बट कहाँ पर क्या यूज़ है उसको भी आपको ध्यान रखना है। बियर की स्पेलिंग जो शराब होती है बी डबल ई आर होता है, ठीक है। एंड बियर, टॉलरेट और फोर बियर, इन सब का मतलब क्या होता है? सहन करना। नेक्स्ट वर्ड देखो ट्रैकरी। ट्रैकरी का मतलब विश्वासघात होता है, जिसे हम डिसलॉयल्टी कहते हैं या फेथलेसनेस बोलते हैं। किसी पर फेथ करना, विश्वास करना, बट फेथ लेस भी आ गया और नेस भी आ गया, जैसे कि यहाँ पर है, तो विश्वासघात हो गया। लॉयल बंदा, जैसे बोलते हैं ना कि लॉयल इंसान है, विश्वास के योग्य है, विश्वसनीय है, बट डिसलॉयल्टी सीधा इसका उल्टा, अविश्वास के योग्य जिसको कहते हैं। ट्रैकरी और ये सारे वर्ड का मतलब होता है विश्वास घात करना। नेक्स्ट वर्ड है मेलवोलेंस। मेलवोलेंस का मतलब होता है घृणा या नफरत, ठीक है, जिसे हम हेट या एवर्जन कहते हैं। एवर्जन वर्ड इम्पॉर्टेंट है, अगर आप इम्पॉर्टेंट वर्ड को नोट करोगे तो मतलब एक कॉपी में, तो उसको आप ज़्यादा फोकस करके याद करोगे, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एवर्जन इम्पॉर्टेंट है। एवर्जन मतलब हेट होता है, डिसलाइक होता है, जिसको हम घृणा या नफरत कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो परमिसिव। परमिसिव का मतलब होता है काइंड या ग्रेट, जिसको हम उदार या दया वाला, जैसे स्वभाव के इंसान होते हैं ना, दया वाले, उसको कहते हैं। तो काइंड होना, ग्रेशियस होना, यानी उदार होना या अच्छा होना, वो कहलाता है। अब देखो आगे के वर्ड्स। फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड देखो टैटर। टैटर वर्ड का मतलब होता है चिथड़े, जिसे आप जैसे कहते हैं ना कोई कपड़ों का हटा हुआ पार्ट, चिथड़े जिसको कहते हैं, जिसको कई लोग चिरकुट कहते हैं, आपने सुना होगा। तो टैटर वर्ड का मतलब चिथड़े होते हैं, जिसे हम श्रेड या फिर रैग कहते हैं। कभी भी टैटर वर्ड आए, इसका मतलब क्या होता है? चिथड़ा, जो फटे हुए कपड़ों का पार्ट होता है, किसी चीज़ का फटा हुआ पार्ट टैटर कहलाता है। अगला देखो मेंड। आपने सुना होगा मेंड योर वेज, ठीक है, खुद को सुधारो, किसी चीज़ में मरम्मत करना, सुधार करना, मेंड करना कहलाता है, जिसको हम रीएडजस्ट करना या तो पैच करना भी कहते हैं। तो इसका मतलब होता है मरम्मत या तो सुधार करना। नेक्स्ट वर्ड है स्मज। स्मज का मतलब होता है धब्बा, जिसे हम यूजली क्या कहते हैं? ब्लर या तो स्मियर, जो चीज़ें धुंधली टाइप की हो, बिल्कुल क्लियर ना हो, धब्बेदार हो, धुंधली हो, उसको हम स्मज कहते हैं। तो स्मज का मतलब होता है धब्बा, या जिसे हम धुंधला भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बैशफुल। बैशफुल का मतलब उन लोगों से होता है जो काफ़ी शर्मीले या फिर डरपोक दब्बू टाइप के होते हैं, वो बैशफुल कहलाते हैं। शाय एंड टिमिड, हम जिसको बोलते हैं ये बहुत शाय नेचर का है, या लड़की के लिए, मतलब लड़का, दोनों के लिए आप शाय नेचर कह देते हो। टिमिड मतलब डरा हुआ, डरपोक सा। तो बैशफुल का मतलब होता है शर्मीला, या जिसे डरपोक या दब्बू भी कहते हैं कहीं कहीं पर। अगला देखो एनेथमा। एनेथमा का मतलब श्राप होता है, जैसे आपने पहले के ज़माने में टीवी में देखा होगा साधु महात्मा श्राप दे देते थे एक दूसरे को कोई गुस्से होने पर। तो श्राप, जिसको हम कर्स कहते हैं, या तो मेल एडिक्शन भी कहते हैं। एनेथमा वर्ड का मतलब श्राप होता है,
और जिसको हम मेल एडिक्शन भी कहते हैं। अगला देखो प्लॉडिट। प्लॉडिट होता है किसी की तारीफ करना, उसकी प्रशंसा करना, जिसे हम प्रेज या कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, किसी को क्या कॉम्प्लीमेंट दिया गया, उसकी क्या तारीफ, स्तुति करना, प्रशंसा करना, हिंदी में बहुत सारे तरीके से कहते हैं, वैसे इंग्लिश में भी कहते हैं प्लॉडिट को प्रेज या कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम प्रशंसा या तारीफ कहते हैं। सो माई डियर फ्रेंड्स, ये 20 वर्ड्स की क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको क्लास समझ में आई हो, वीडियो पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, और भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनको इस क्लास की ज़रूरत है, वहाँ तक आप इस वीडियो को शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। कल हम मिलेंगे कुछ न्यू सेट ऑफ वर्ड्स के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।